स्वागत है साथियों आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मैं आफरीन मेमन। फ्रेंड्स, एक बहुत ही हॉट शॉट टॉपिक जो आजकल बहुत ज्यादा वायरल हुआ पड़ा है, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, जिसको हम कहते हैं कोरोना वायरस। फ्रेंड्स, कोरोना वायरस के ऊपर कुछ बहुत सारी वीडियोस आ रही है, बहुत सारे लोग उस पर रिकमेंडेशन दे रहे हैं, डॉक्टर्स, मेडिकल फील्ड वाले, मीडियाज, सो ऑन। फ्रेंड्स, कुछ फैक्ट्स मैं आज आपको कोरोना वायरस के ऊपर बताना चाहूंगी। सबसे पहले चीज ये है कि फ्रेंड्स, कोरोना वायरस से इंडिया वालों को बेसिकली डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट डिटेक्टेड इन इंडिया येट। ये जो बेसिकली कोरोना वायरस का जो प्रॉब्लम है, ये चाइना में एक्चुअली लोगों को फेस कर रहे हैं लोग, बट इंडिया में ड्यू टू मीडिया इफेक्ट ये बहुत ज्यादा वायरल हो गया है। फ्रेंड्स, अब ये बेसिकली कोरोना वायरस होता क्या है, व्हाट इज इट एग्जैक्टली? फ्रेंड्स, कोरोना वायरस हम लोग काफी लोगों को वायरस से नाम पता लग रहा होगा कि ये एक तरह की डिजीज है, एक डिसऑर्डर है, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन कई सारे IMC एसोसिएट्स ये सोच रहे हैं और ये पूछते भी हैं कि कोरोना वायरस के इश्यू रिलेटेड क्या हम IMC के कोई प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, क्या IMC के पास इसका कोई उपाय है। तो अगर आपका भी ये प्रश्न है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस सवाल का जवाब इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं कि कोरोना वायरस है क्या। ये बेसिकली एक वायरस की फैमिली है, वी कैन से दिस, RNA वायरस के नाम से एक ग्रुप है जिसकी फैमिली है, और ये न्यू वायरस नहीं है। फ्रेंड्स, ये पहले भी कई बार डिटेक्ट हो चुका है कई सारे देशों में, और इसकी इट्स अ वेरी बिग थिंग। इसमें कोरोना वायरस में जो कैटेगरीज आती है, उसमें कुछ कैटेगरीज, कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो सिर्फ एनिमल्स को इफेक्ट करते हैं, 7 वायरसेस इसमें ऐसे हैं जो ह्यूमन बींग्स यानी इंसानों को इफेक्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे तो एक्चुअली 2002 और 2003 में ये डिटेक्ट हुआ था, जो मिडल ईस्ट इंडिया में लोगों को ज्यादा इफेक्ट कर रहा था, मिडल ईस्ट साइड में। सेकेंडली 2015 में ये वायरल हुआ था साउथ कोरिया में। अब 2019 और 20 में ये वायरल हो चुका है चाइना में। सो फ्रेंड्स, यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो वायरस है ये न्यू नहीं है हमारे लिए। इस प्रकार के पहले भी वायरसेस कई सारे कंट्री में लोगों ने फेस किया है। सो फ्रेंड्स, ये बेसिकली हमारी अपर रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है, यानी यहां से लेके जो यहां तक जो हमारा सिस्टम है, ये वहां पे इफेक्ट करता है, वहां से मल्टीपल डिजीजेस बनती है बिकॉज ऑफ द वायरस। तो ये RNA फैमिली की एक वायरस है जिसको हम कोरोना वायरस कहते हैं। इट्स अ चेन ऑफ वायरस, वी कैन से। सो फ्रेंड्स, बेसिकली ये स्प्रेड कैसे होता है, अब आप लोग के मन में प्रश्न होगा कि ये अगर किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस है तो ये स्प्रेड कैसे होता है। स्प्रेड होने के इसके तीन ही सोर्सेज है फ्रेंड्स। या तो ये सर्दी से किसी को, व्यक्ति को अगर कोरोना वायरस इफेक्ट किया है तो वो सर्दी जब उसको होती है, स्नीज करता है, तो सर्दी से ये इफेक्ट कर सकता है आपको। सेकेंडली ब्रीथ से, यानी जो ब्रीथिंग, क्योंकि हम ओपन एनवायरमेंट में रहते हैं तो आपके साथ ये आसपास कोई व्यक्ति होगा जिसको ये डिटेक्ट हुआ है, तो ब्रीथिंग से भी हो सकता है, यानी वो सांस लेता है तो। और सेकेंडली खांसने से, कफिंग। ये कुछ मॉड्यूल्स है जहां से ये कोरोना वायरस जो है व्यक्ति दर व्यक्ति को स्प्रेड होता है। फ्रेंड्स, इसके प्रिकॉशन में एक बात मैं आपको कहना चाहूंगी, इसके मैं आपको सोल्यूशन भी दूंगी, लेकिन इसके प्रिकॉशन में एक बात मैं कहना चाहूंगी, वो ये बात ये है कि आप अगर इससे प्रिवेंट होना चाहते हैं या पहले से ही प्रिकॉशन लेना चाहते हैं, तो अपना एक हैबिट आप कुछ दिन के लिए डेवलप करिए कि आप अपने हैंड वॉश हर 2 आवर्स में करते रहिए। रेगुलर मतलब हर 2 आवर्स में आप हैंड वॉश करिए, चाहे उसको हैंड सैनिटाइजर से करिए, नॉर्मल वाटर एंड सोप से करिए, जैसे मर्जी करिए, लेकिन हैंड वॉश आप उसको अपने सिम्टम प्रिकॉशंस के तौर पे उसको यूज कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स, इसके सिम्टम्स क्या है, किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस हुआ है या होने की शंका है, इसके सिम्टम्स क्या है, तो इसके कुछ सिम्टम्स हैं। अगर ये सिम्टम्स आपको दिखते हैं तो आपको इमिडिएटली अपने नियरेस्ट डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। तो वो सिम्टम्स कौन से हैं, सबसे पहला सिम्टम्स है फ्रेंड्स नोजिया, नोजिया का प्रॉब्लम होगा, वॉमिटिंग यानी उल्टी आना, वॉमिट का सिम्टम बॉडी देगी, रनिंग नोज, सर्दी लगातार होगी जो रुकेगी नहीं और रनिंग नोज रहेगा कई दिन तक। उसके बाद में फ्रेंड्स आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम जिसको हम कहते हैं काइंड ऑफ एस्थमा, जैसे एस्थमेटिक पेशेंट को होता है कभी कभी सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम उस व्यक्ति को हो सकता है। साथ में फ्रेंड्स फीवर, वायरल फीवर कुछ दिन लगातार रह सकता है, या अननेसेसरी फीवर्स का आना। एंड सेकेंडली खांसी यानी कफिंग, ये कुछ सिम्टम्स है। अगर ये सिम्टम्स आपकी बॉडी ज्यादा आपको दे रही है तो यू नीड टू गो टू अ डॉक्टर, आप अपने डॉक्टर को विजिट करिए, और वहां पे कुछ ब्लड रिपोर्ट्स होती हैं जो डॉक्टर्स बखूबी जानते हैं, ब्लड रिपोर्ट्स के माध्यम से वो आपको चेक करके कंसल्ट कर सकते हैं कि क्या आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है या कोई डिटेक्ट तो नहीं हुआ है। सो ये फ्रेंड्स इसके कुछ सिम्टम्स हैं, व्हाट इज कोरोना वायरस, ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे।
अब फ्रेंड्स हमारे एक्चुअल प्रश्न पे आ जाते हैं कि आईएमसी के पास कोई प्रोडक्ट्स है क्या इस कोरोना वायरस की प्रॉब्लम के लिए। सो फ्रेंड्स आई टेल यू कि ये जो वायरस है इसका एग्जैक्टली सोल्यूशन तो मेडिकल में भी मतलब सिम्टम्स को ट्रीट किया जा रहा है, वायरस को ट्रीट करने के लिए अभी कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन यदि आप अपने आप को प्रिवेंट करना चाहते हैं, प्रिकॉर्ड करना चाहते हैं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे ना हो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम सभी ने सुना है। तो अगर आप प्रिवेंशन करना चाहते हैं तो कौन से आईएमसी के प्रोडक्ट्स है जो आपको लेने चाहिए जो आपको ऐसी कोरोना वायरस या आरएनए फैमिली वायरसेस से प्रिवेंट कर सकता है हमेशा, तो उनके ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स मैं आपसे शेयर करूंगी। सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा श्री तुलसी ड्रॉप्स, बिकॉज वो इम्यूनिटी बूस्टर है, तो इट इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। फ्रेंड्स एक बात समझने वाली है कि कोरोना वायरस को ट्रीट करना है तो आपकी इम्यूनिटी लेवल्स को बहुत हाई रहना पड़ेगा, बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको आपको स्ट्रांग रखना पड़ेगा। तो ऐसे वायरसेस जो है आपकी अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट नहीं करते हैं, बिकॉज कि आपकी इम्यूनिटी लेवल्स हाई है। अगर ऐसी कोई सिम्टम्स या ऐसी कोई चीज आपकी बॉडी में जाती भी है तो थ्रो आउट करने की बॉडी की कैपेसिटी होती है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको हम कहते हैं उसको स्ट्रांग करने के लिए आईएमसी के पास प्रोडक्ट्स हैं, श्री तुलसी सबसे पहले। दूसरा प्रोडक्ट है फ्रेंड्स हिमालयन बेरी जूस, बिकॉज की बहुत अच्छा मॉड्यूलेटर, इम्यूनो मॉड्यूलेटर है ऑफकोर्स। थर्ड प्रोडक्ट जो हमारे पास है वो है श्री तुलसी श्री हल्दी। श्री हल्दी इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड, क्योंकि इसके अंदर केसर और दालचीनी का कॉम्बिनेशन है जो अगेन आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है। तो श्री हल्दी ड्रॉप्स है, इलायची अमृत उसका सोल्यूशन है, एलो स्पिरुलिना आप दे सकते हैं, साथ में आप दे सकते हैं नेचुरो मेगा वीट गोल्ड टैबलेट और हमारा वायरो केयर दे सकते हैं आप। वायरो केयर इज बेसिकली स्प्रे डिओड्रेंट भी है, वो आप दिन भर बाहर रहते हैं या बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं तो आप उसको स्प्रे की तरह यूज करते रहिए, हैंड सैनिटाइज करते रहिए, एक तरह का प्रिवेंशन है। सो फ्रेंड्स ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हम प्रिवेंशन की तौर पे एक व्यक्ति को दे सकते हैं। अगर उसको इम्यूनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो आप उसको प्रिवेंशन के तौर पे दे सकते हैं। ये ट्रीटमेंट है कोरोना वायरस का ऐसा मत सोचिएगा, लेकिन ये प्रिवेंशन है। अगर आप इसको लगातार यूज करते हैं जब तक कि कोरोना वायरस का जो स्प्रेडिंग वाला सिस्टम है ये खत्म नहीं हो जाता या इसका कोई पर्याय नहीं निकल जाता, तब तक आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं एटलीस्ट। क्योंकि अगर ये कोरोना वायरस खुदा ना करे अगर किसी को ऐसा डिटेक्ट हो, लेकिन अगर किसी को होता है तो इसका जो ट्रीटमेंट है या जो इसके ब्लड रिपोर्ट्स है या ये सारी चीजों में बहुत ज्यादा एक्सपेंस हो सकता है और ये आपकी हेल्थ को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाला है। सो फ्रेंड्स प्रिवेंशन पे थोड़ा सा फोकस करिए और ये कुछ प्रोडक्ट्स आप अपने आईएमसी एसोसिएट्स को या किसी को भी अगर ऐसा कोई भय है तो आप उनको ये प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स जो लोगों ने मुझसे प्रश्न किया था कि आईएमसी के पास इसका सोल्यूशन है, तो आपका जवाब मैंने इस वीडियो के माध्यम से दिया है। अधिक अगर कोई आपको और क्वेश्चंस है कोरोना वायरस को लेके तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, आप अपना सवाल ड्रॉप करिए, मैं उसका जवाब आपको डेफिनेटली देने की कोशिश करूंगी। सो फ्रेंड्स इंडिया में बेसिकली डोंट वरी, इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, इट इज नॉट स्प्रेडेड इन इंडिया येट, क्योंकि 26 जनवरी को ही एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये प्रूव हुआ है कि इंडिया में ये नेगेटिव पाया गया है, लोगों को कोरोना वायरस जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हाँ लेकिन इम्यूनिटी रिलेटेड इश्यूज जरूर हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा, एंड फ्रेंड्स stay healthy, stay fit. This is Afreen Memon signing off.